निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर झारखंड अभिभावक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ लोहरा से मिलकर 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। शिष्टमंडल में जांच समिति सदस्य कौशल किशोर व अजीत कुमार ठाकुर मौजूद रहे और संघ के जिला अध्यक्ष सह जिला जांच समिति सदस्य महेंद्र राय ने कहा कि BSL प्रबंधन द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे सभी निजी स्कूलों के द्वारा सत्र 2023-24 व सत्र 2024-25 के वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, बुक लिस्ट, अन्य फीस समेत ड्रेस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। सभी निजी स्कूलों की पुस्तकें आम बाजार में नहीं मिल रही हैं क्योंकि विद्यालय प्रबंधन द्वारा चिन्हित बुक सेंटर पर ही उपलब्ध कराया गया है। आम बुक सेंटर से मिलने वाले अभिभावकों को 20-40% तक की छूट मिल जाती थी, लेकिन अभिभावकों को स्कूल के चिन्हित बुक सेंटर पर कोई छूट नहीं मिलती है। अभिभावक संघ के महेंद्र राय ने कहा कि समिति गठित किए जाने से सुधार होगा तथा स्कूलों के मनमानी पर अंकुश लगेगा। प्रॉब्लम तो आम है, आज जो निजी स्कूलों का रवैया है अपने अभिभावकों के प्रति काफ़ी दुखदायी है। जब यह अप्रैल और मार्च का महीना आता है तो अभिभावकों के लिए सिरदर्द बन जाता है। क्यों? क्योंकि निजी स्कूल एक लिस्ट देते हैं, बुक लिस्ट, जो 5,000 से 8,000, 10,000 तक की किताबें का रीएडमिशन लिस्ट, जो 15,000 से लेकर 25,000 तक का। फिर मनमानी तो जग जाहिर है। बोकारो में जितने भी अभिभावक हैं सब जानते हैं, यहाँ के अधिकारी भी जानते हैं कि ये निजी स्कूल कैसे अभिभावकों का दोहन कर रहा है। ये सारे स्कूल जो हैं सर, ये बोकारो स्टील प्लांट के ज़मीन पर हैं और इनको नॉमिनल चार्ज में बोकारो स्टील प्लांट ने ये जगह मुहैया कराया है। ताकि ठाकुर, बोकारो सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ मैं। पिछले 2020 से ही हम लोग इस आंदोलन को लेके चल रहे हैं निजी विद्यालय के मुद्दा पे। लगभग 80% लोग बोकारो में मिडिल क्लास के लोग निवास करते हैं और सारे के बच्चे निजी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और